हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा घर पर ऐसी सॉफ्ट और स्पंजी और व्हाइट कलर की इडली कैसे बनाएं। जिसको भी इडली बनाने में परेशानी होती है ना, आज के बाद नहीं होने वाली है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं। अंदर देखिए इसके अंदर कितना अच्छा स्पंज है और एकदम सॉफ्ट इडलियां हैं। आज के बाद आप ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट इडलियां घर पर बना पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी इडलियां हर बार ऐसी ही बनेगी। और जिसको इडली नहीं भी बनाने आती ना, इस रेसिपी को देख के वो भी इडली बना पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें राइस डालेंगे। यहाँ पे मैं गोल्डन शैला मोटा वाला राइस का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे इडली राइस मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको इडली राइस ना मिले तो आप कोई भी मोटा वाला अच्छे व्हाइट कलर का राइस ले सकते हैं। और एक बात, आपने बासमती राइस का यूज़ नहीं करना है इडली बनाने के लिए, उससे इडलियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। और आपको मैं दिखा देता हूँ इडली बनाने का राइस कौन सा होता है। देखिए इस कलर में आपको मार्केट में जो राइस मिलेगा ना, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा, राइस को आपने अच्छे से ना धो लेना है। देखिए आपने राइस को ना ऐसे मैश करके धोना है ताकि इनके बाहर से जितना भी डस्ट वगैरह लगी हो ना पूरी तरह से निकल जाए। तो 3 से 4 पानी से आपने राइस को ऐसे धो लेना है। 3 से 4 बार पानी से धोने के बाद आपने राइस को ना खुले पानी में भिगो देना है। कम से कम 5 से 6 घंटे तक आपने राइस को सोख होने देना है। फिर एक बाउल लेंगे और उसके अंदर 1 कटोरी उड़द की दाल डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच इसमें मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना एक तो डाइजेशन का काम करता है और दूसरा हमारे जो इडली का बैटर रहता है ना, उसको अच्छे से फर्मेंट करने में हेल्प करता है। तो दाल और मेथी दाना को भी आपने धोना है यहाँ पे, पर इसको ज़्यादा मैश करके नहीं धोना है, इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से धोना है। देखिए इसके बाहर से जो हल्की हल्की डस्ट लगी होती है ना, उसको ही निकालना है, उसके स्टार्च को निकालना है। तो इडली के बैटर का सिंपल सा मेजरमेंट है, 3 कटोरी आपने राइस लेनी है, 1 कटोरी आपने दाल और 1/2 छोटा चम्मच इसमें आपने मेथी दाना डालना है और इनको कम से कम 5 से 6 घंटे तक सोक होने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए हमारे जो दाल और चावल हैं 6 घंटे इनको सोक होते हो चुके हैं और अच्छे से फूल भी चुके हैं। तो इसके बाद आपने इनके अंदर जो पानी है ना उसको निकाल देना है, ड्रेन आउट कर देना है पानी को और इनको अलग अलग करके पीसना है। यहाँ पे कभी भी इडली का बैटर बनाते हैं ना तो दाल और चावल को अलग अलग सोक करने के लिए छोड़िए और इनको ना अलग से ग्राइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए दाल को पहले मैं ग्राइंड कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से पीस जाए। दाल का तो आपने एकदम फाइन पेस्ट बना देना, एकदम प्यूरी बना देनी है इसकी। अब दाल और चावल को अलग अलग क्यों सोक किया जाता है यह मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों सोक करते हैं। देखिए आपने दाल की ना ऐसी एकदम फाइन प्यूरी बना देनी है, तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। कोई भी आपने बड़ा बाउल लेना है ना, उसमें बैटर को निकाल के रखना है। छोटे बाउल में निकालेंगे तो आपका बैटर फर्मेंट होगा ना, तो बाहर निकलने के चांसेस रह जाते हैं। तो जैसे हमने दाल को ग्राइंड किया ना, वैसे हमने चावलों को भी पीस लेना है। तो चावलों को पीसते टाइम आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इनकी एकदम फाइन प्यूरी नहीं बनानी है, थोड़ा सा मोटा पीसना है और पानी की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है इसमें। ये देखिए आपने इतना इसमें पानी डालना है। और एक बात, आपका जो बैटर है ना वो ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पतला बैटर बनाते हैं ना तो जल्दी फर्मेंट नहीं होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना आपने चावलों को मोटा पीसना है यहाँ पे। ये देखिए इनके अंदर ना एक छोटे छोटे से दाने रहने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो इडली है ना वो अच्छी फ्लफी बनती है, अंदर से स्पंजी बनती है, एकदम फाइन पेस्ट बना देते हैं ना। तो उससे क्या होता है, जब हम इडली को खाते हैं ना तो इडली मुंह से चिपती है और अंदर से स्पंजी नहीं बनती है। तो इस तरह से आपने इडली का जो बैटर है ना वो ग्राइंड करना है। इस स्टेप को आपने जरूर फॉलो करना है, फिर आप एक बार इडली बना के देखिएगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे कि हमारी जो इडली है ना बहुत ही बढ़िया बनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा जो चावल था ना बचा हुआ उसको भी यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, 1/2 छोटा चम्मच सॉल्ट डाल दिया यहाँ पे मैंने, और 1/2 छोटा चम्मच इसमें शुगर डालेंगे। शुगर आपने जरूर डालनी है, शुगर ही बैटर में जल्दी ईस्ट एक्टिवेट करती है। और थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा डालना है, एकदम चुटकी भर डालना है बेकिंग सोडा, और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है। और बैटर को आपने कम से कम 3 से 4 मिनट तक ऐसे एक साइड को बीट करना है, घुमाना है, ताकि बैटर के अंदर अच्छे से हवा भर जाए और बैटर जो है हमारा अच्छे से फूल जाए और फ्लफी हो जाए। तो ये देखिए बैटर हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब इसके बाद आपने इस बैटर को ना ऊपर से क्लीन फॉइल से कवर कर देना है। क्लीन फॉइल से कवर कर दीजिए, सिल्वर फॉइल से कवर कर दीजिए, या फिर किसी एक प्लेट से अच्छे से आपने इसको कवर करना है ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। इसके अंदर हवा नहीं जाएगी उतनी ही जल्दी ये बैटर हमारा जो है वो फर्मेंट होगा। कवर करने के बाद आपने इस बैटर को 10 से 12 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए ऐसी जगह में रखना होता है जहाँ पे रूम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो घर में, तभी ये जल्दी फर्मेंट होता है। और सर्दियों में आपने इसको 12 से 18 घंटे तक छोड़ देना होता है ताकि अच्छे से फर्मेंटेशन हो इसके अंदर। तो देखिए आजकल गर्मी है तो गर्मियों में 12 घंटे में अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको कितना अच्छा इसमें फर्मेंटेशन हुआ है।
तो ये देखिए, आपका जो इडली का बैटर है ना, वो इतनी अच्छी तरह से फर्मट होना चाहिए, तभी आपकी इडलियाँ जो है ना वो अच्छी बन पाएंगी यहाँ पे। तो इसको फर्मट होने में 12 घंटे का टाइम लगा है। तो इसके बाद हमने इसमें नमक डालना है, तो आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हमने पहले भी इसमें नमक डाल दिया था। अब नमक डालने के बाद आपने ना बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले मैं आपको ना इस थिक बैटर से इडली बना के दिखाऊंगा, और बाद में हम इस बैटर में ना थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा बैटर को पतला करके फिर से दोबारा से एक बार इडली बनाएंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अच्छे से देखिए, मैंने नमक को बैटर के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हमने ना इडली का सांचा लेना है और उसके अंदर हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है। आप ऑयल की जगह घी भी लगा सकते हैं, देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लगाने से ना इडलियां सांचे से चिपकती नहीं है और आसानी से छूट जाती हैं। तो यहाँ पे मैं नैपकिन पेपर से ऑयल लगा रहा हूँ ताकि कम कम ऑयल लगे। आप ब्रश से लगाएंगे ना तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो आपने थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल लगा लेना है। और इसके बाद हमने इसमें ना इडली का बैटर भर देना है। देखिए, तो बैटर डालने के लिए आप लैडर का यूज़ कर सकते हैं, किसी बड़े चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। और बैटर आपने ना थोड़ा थोड़ा भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है। अगर आप ज़्यादा बैटर भर देंगे तो ओवर हो जाएगा और सांचे से बाहर निकल जाएगा, उससे आपकी इडलियों में ना शेप अच्छी नहीं आएगी। तो ये देखिए, ऐसे आपने ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर भर देना है। और बैटर भरने के बाद आपने एक बार इसको ऐसे हिला देना है ताकि अच्छे से बैटर पूरा सेट हो जाए और अच्छी शेप आए हमारी इडलियों में। और साथ में ही आपने इडली स्टीमर में पानी को बॉईल कर लेना है और इडलियों को स्टीम होने के लिए डाल देना है। जल्दी से ऊपर से कवर कर देना है और 12 से 13 मिनट तक आपने इनको स्टीम होने देना है। जो थिक बैटर की इडली रहती है ना, उसको 12 से 13 मिनट लगते हैं स्टीम होने में। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। तो देखिए, पूरे 12 मिनट लगे हैं इडलियों को स्टीम होने में और इडलियाँ अच्छी तरह स्टीम हो चुकी हैं। देखिए, इडली की पहचान के कि अच्छे से स्टीम हुई है, इडली ऊपर से ना फट जाती है, वो एक परफेक्ट इडली की पहचान है। तो इनको आपने इसके बाद साथ साथ में निकाल लेना है। अभी हम बैटर को ना पतला करेंगे। देखिए, इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के आपने ना बैटर को थोड़ा पतला कर लेना है और बैटर को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। और ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी में आपने बैटर को ले आना है। अब इस कंसिस्टेंसी की बैटर से मैं आपको इडलियाँ बना के दिखाता हूँ। फिर से वैसे इडली के सांचे में ऑयल लगा लेना है और ये देखिए, जल्दी जल्दी से आपने ना इडली का बैटर सांचे में डाल देना है। यहाँ पे पतले बैटर की जो इडली होती है ना, उनको स्टीम करने में टाइम कम लगता है। जो थिक बैटर से इडली बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बैटर भर दिया अच्छे से। इसके बाद हमने इसको भी स्टीम कर लेना है। तो पानी को बॉईल कर लेंगे और इडली स्टीमर में डाल देंगे इडली को स्टीम करने के लिए। इनको स्टीम होने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो इनको आपने हाई टू मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक स्टीम करना है। पहले 5 मिनट तक आप हाई फ्लेम इनको स्टीम कीजिए और अगले 5 मिनट तक आप इनको मीडियम फ्लेम में स्टीम कीजिए। तो टोटल 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं देखिए। और पतले बैटर से भी हमारी जो सॉफ्ट और स्पंजी इडलियाँ ना, वो बनके तैयार हो चुकी हैं। अभी इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो अभी मैं आपको इडलियाँ निकाल के दिखाता हूँ सांचे से कैसे निकालते हैं। आपने कोई भी चम्मच लेना है या तेज धार वाला नाइफ लेना है ना, उससे ऐसे इडलियाँ निकालनी है। तो ये हमने पहले बनाई थी, देखिए ये इडलियाँ भी एकदम परफेक्ट बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर से भी अच्छी तरह पकी हुई है। तो आप थिक बैटर से भी इडली बना सकते हैं और पतले बैटर से भी इडली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।